हाथरस कांड में यूपी सरकार का सनसनीखेज दावा, इंसाफ की आड़ में दंगा भड़काने की हुई थी साजिश। हाथरस के बहाने माहौल बिगाड़ने का था पूरा प्लान, एनटीसीएए की तर्ज पर तैयार थी माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग। क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसियों को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री, साजिश के अहम सुराग भी बरामद। हाथरस के नाम पर साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर शक, इंसाफ के नाम पर फंडिंग की थी तैयारी। हाथरस के बहाने साजिश को लेकर शुरू हुई धरपकड़, लखनऊ में भड़काऊ पोस्टर लगाने की तैयारियों का पर्दाफाश। हाथरस के बहाने साजिश के सरकार के दावे को विपक्ष ने किया खारिज, कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कि सरकार ये बताए कि जितने घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुए हैं क्या सब में साजिश है? सरकार अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं ले रही? हाथरस में जारी है सियासी ड्रामा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर पीड़िता के गांव में फेंकी गई स्याही। आरोपी है उसको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने बगल में खड़ा करके फोटो खिंचा रहा है। हाथरस कांड को लेकर कई शहरों में आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह। दक्षिण तक भी पहुंची हाथरस कांड की गूंज, चेन्नई में डीएमके ने इंसाफ की मांग के लिए निकाला कैंडल मार्च। हाथरस कांड को लेकर भीम आर्मी का भी विरोध प्रदर्शन, देवबंद में योगी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। हाथरस कांड को लेकर दलितों में भारी नाराजगी, राजस्थान के धौलपुर में योगी सरकार के खिलाफ हंगामा। हाथरस मामले में दाखिल पीआईएल पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर है जनहित याचिका। निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह लड़ सकते हैं हाथरस के आरोपियों का केस, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने लिखी है चिट्ठी। बलात्कार को लेकर जोरदार सियासत, जयपुर में कांग्रेस ने रखा मौन व्रत, बीजेपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने सतीश पुनिया की अगुवाई में किया प्रदर्शन, कोरोना काल की बंदिशें टूटी, पुनिया बोले राजस्थान में बढ़ता अपराध कोरोना से बड़ा मुद्दा। कोरोना काल से भी ज्यादा संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है, राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। सुशांत की मौत को लेकर एयरपोर्ट पर एम्स ने जारी किया बयान, रिपोर्ट पर एम्स ने जारी किया बयान, कहा सीबीआई ने मांगा था एक्सपर्ट ओपिनियन। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंप दिया रिपोर्ट, अस्पताल ने कहा जांच एजेंसी ही देगी आगे की जानकारी। एम्स के फॉरेंसिक हेड ने रिपोर्ट से जुड़े सारे विवादों को किया खारिज, कहा हर एंगल से हुई है जांच। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिवसेना ने जताई खुशी, सामना में लिखा सही साबित हुआ हमारा स्टैंड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें सब कुछ आया था तो सीबीआई ने बाद में बताया, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस बारे में कहीं भी उसका सपोर्ट नहीं किया, इसलिए कि मरने के बाद किसी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। सुशांत के परिवार वालों को एम्स की रिपोर्ट का इंतजार, वकील बोले डॉक्टर को कई बार किया फोन। एम्स की रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने मुंबई पुलिस की जांच को बताया सही, कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट पर नहीं उठाए थे सवाल। जो सबसे बड़ी जो इस देश की कोर्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहां हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा समाधान व्यक्त किया था, सेटिस्फेक्शन दिखाई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्षद की हत्या को लेकर बढ़ता जा रहा है सियासी बवाल, लाश लेकर राजभवन के बाहर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। राजभवन के बाहर से ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुई बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या, हमलावरों ने की 20 राउंड फायरिंग। मनीष शुक्ला की हत्या को लेकर उत्तरी 24 परगना में जोरदार कोहराम, प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। मनीष शुक्ला की हत्या को लेकर दिन भर चलता रहा हंगामा, टीटागढ़ में प्रदर्शनकारियों ने दिन भर सड़क पर लगाया जाम। मनीष शुक्ला की हत्या पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की, कहा नहीं है राज्य की सरकार पर भरोसा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए बंगाल पुलिस पर हमें कोई विश्वास नहीं, हम सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं।
मनीष शुक्ला के घर पहुंचे बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय, परिजनों को दिलाया इंसाफ का भरोसा। पंजाब में राहुल गांधी का दूसरा दिन, संगरूर में ट्रैक्टर पर कांग्रेस की किसान बचाओ रैली। संगरूर में राहुल गांधी के खिलाफ बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संगरूर के बाद पटियाला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। एलएसी पर तनाव के बीच बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की होगी चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात, 17 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग का कार्यक्रम। बिहार चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी नेताओं की मीटिंग, आज रात या कल सुबह तक हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। बागी नेता शक्ति मलिक के मर्डर पर मुश्किल में आरजेडी, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों पर हत्या की साजिश का केस। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कैबिनेट मंत्री नोट बांटते वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है किरकिरी। बरनाला में नौजवान किसानों का कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ हल्ला बोल, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल में प्रदर्शन। इंदौर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का हंगामा, वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। देश में पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा नए मामले, 66,23,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 903 लोगों की मौत, अब तक 1,02,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 14,43,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 40-50 करोड़ डोज हासिल करने का टारगेट, स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। महाराष्ट्र में प्याज के निर्यात पर पाबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन, अकोला में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ हंगामा। बीएचयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सर सुंदरलाल अस्पताल में पैथोलॉजी को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव पर नाराजगी। यूपी में मंडराया बिजली संकट का खतरा, निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिजली विभाग के कर्मचारी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद, बाजार में 1.25 करोड़ रुपए कीमत। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 3 घायल। पंपोर बाईपास के करीब सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी को आतंकवादियों ने बनाया निशाना, जवानों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब में कनाडा जर्मनी से चलाए जा रहे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मॉड्यूल का पर्दाफाश, अत्याधुनिक हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, ऊंची आवाज में बोलने को लेकर पत्थरबाजी। भरतपुर में खेत के झगड़े को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों को ट्रैक्टर से कुचला, 1 की मौत, 4 महिलाओं समेत 11 घायल। झांसी में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर की मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग वारदात। पानीपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार और बाइक में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। पटना सिटी में दिनदहाड़े पार्षद के भाई की गोली मारकर हत्या, पुलिस को चुनावी रंजिश में वारदात का शक। झारखंड के जामताड़ा में सफेद मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, जमीन धंसने से 3 महिला मजदूरों की मौत। पीलीभीत में शिवसेना के नेता गिरफ्तार, आज तक का फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर झूठी खबर को वायरल करने का आरोप। झारखंड के सरायकेला में 2 नक्सली गिरफ्तार, ऑटो में सवार होकर जा रहे थे वारदात को अंजाम देने, हथियार भी बरामद। फिरोजाबाद में शक की वजह से पुजारी ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बारामती में मंदिर से मूर्तियों के लाखों के गहने चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दुमका में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गांव वालों ने जमकर पीटा, 10 घंटे तक बनाकर रखा बंधक। कानपुर में आईपीएल के सट्टेबाजों पर कसा शिकंजा, 30 लाख कैश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में प्रतिबंधित दवाओं के साथ डॉक्टर और कंपाउंडर पकड़े गए, मिलकर चलाते थे नशे का कारोबार। कन्नौज में युवक के पेट से निकला 250 ग्राम लोहा, कील, पेचकस और सरिया देखकर हैरान रह गए डॉक्टर। जालंधर में एक युवक ने बेरहमी से की अपने पिता की हत्या, 2 भाइयों के झगड़े में बीच बचाव करने गए थे बुजुर्ग। भदोही में पेड़ से उल्टा लटका मिला अज्ञात शव, इलाके में हड़कंप। हापुड़ में घर के अंदर चल रहा था अवैध उक्काबार, झापे में 12 लोग गिरफ्तार।
मसूरी में रोप वे प्रोजेक्ट को लेकर कोहराम, धरने पर बैठे सैकड़ों बेघर लोग, राज्य सरकार पर लगाया घर उजाड़ने का आरोप। कोरोना की पाबंदियों पर छूट मिलने के साथ केदारनाथ में बढ़ने लगे श्रद्धालु, अब तक करीब 30,000 लोग कर चुके हैं बाबा के दर्शन। आईपीएल में आज बेंगलुरु और दिल्ली के बीच मुकाबला, दुबई में होगी दोनों टीमों की भिड़ंत। 276 अंकों की बढ़त के साथ 38,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 86 पॉइंट बढ़कर 11,503 पर बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम के मामले पर 13 अक्टूबर की तय की अगली तारीख, 12 अक्टूबर तक सभी पक्षों को हलफनामा देने के निर्देश। करेंसी नोट से बैक्टीरिया और वायरस फैलने का खतरा, आरबीआई ने लोगों को दी डिजिटल भुगतान करने की सलाह। सोने की कीमतों में फिर गिरावट, उच्चतम स्तर के मुकाबले 6,000 रुपए प्रति तोले से भी कम हुई कीमत। खादी के व्यापार पर बेअसर रहा कोरोना, कनॉट प्लेस के खादी इंडिया आउटलेट ने गांधी जयंती के मौके पर कमाए 25 करोड़। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के पहले अमेजॉन इंडिया की बड़ी योजना, फेस्टिवल सेल से जुड़ेंगे 1,00,000 से ज्यादा लोकल दुकानदार और किराना स्टोर। फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेजर 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, ऑक्टा कोर स्नैप ड्रैगन 765G प्रोसेसर से है लैस। कोरोना से लड़ रहे ट्रंप का चुनावी स्टंट, कार में बैठकर अस्पताल से निकले, प्रशंसकों के बीच पहुंचे, थोड़ी देर में वापस लौटे। वॉशिंगटन के वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं ट्रंप, डॉक्टर्स के मुताबिक स्थिर है अमेरिकी राष्ट्रपति की हालत। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में जमा ट्रंप के समर्थक, हाथों में नजर आ रही है गेट वेल सून की तख्तियां। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, 3,54,00,000 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 10,42,000 लोगों की जा चुकी जान। अमेरिका में 76,36,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,14,000 लोगों की हो चुकी मौत। पोप फ्रांसिस ने कोरोना काल में बताई नई तरह की राजनीति की जरूरत, कहा महामारी ने साबित किया है कि विफल रहा बाजार पर। कोरोना के बाद चीन में पूरी तरह पटरी पर लौटी जिंदगी, पूरी क्षमता के साथ सरपट दौड़ रही है बुलेट ट्रेन। खत्म हो गया अमेरिका ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों ने अपनी हवाई ताकत को परखने के लिए 1 हफ्ते तक किया था प्रैक्टिस। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ जारी है विरोध, राजधानी मिन्स्क में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। कोरोना महामारी के बीच इराक के करबला में शुरू हुई धर्म यात्रा, हजारों जायरीनों का जमावड़ा। जापान पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के समूह क्वाड की बैठक में होंगे शामिल। व्यापार मामले में अमेरिका के बाद अब यूरोपीय यूनियन दे सकता है चीन को झटका, सीमित कारोबार को लेकर हो रहा विचार। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अपने पालतू जानवरों के साथ चर्च पहुंचे पेट लवर्स, चर्च के पादरी ने दिया लंबी उम्र और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद। लेबनन की राजधानी बेरूत में साइकिल रेस का आयोजन, जमा हुए पैसे से धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों की होगी मदद। हंगरी में चल रहे जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में यूक्रेन के कपल का कमाल, पति पत्नी दोनों ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास।